फाइनली गेट ओपन हो गए हैं, ये ऑटोमेटिक गेट्स हैं, ये ओपन हो गए हैं और हम लोग एंटर होने लगे हैं खंजराब बॉर्डर। सो नाउ दिस इज़ अदर साइड ऑफ खंजराब और हम एंटर हो गए हैं फाइनली चाइना के अंदर और बहुत तेज़ बर्फबारी। ये देखिए जी, ये चाइना का पहला गांव आया है, इसका नाम है मज़ार विलेज। हमें दूर से ताजकुरकान की हदूद नज़र आना स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर की पिछले एपिसोड के अंदर हमारा सफ़र ख़त्म हुआ था खंजराब पास से थोड़ा सा पहले, और मैं आपको खंजराब पास नहीं लेकर गया था और मैंने कहा था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। खंजराब पास जाने के बजाय मैं आ गया था इस्लामाबाद, यहाँ से अपना पासपोर्ट वगैरह कलेक्ट किया था। और सरप्राइज़ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि आज के एपिसोड के अंदर हम इंशाल्लाह खंजराब पास को क्रॉस करेंगे और इस दफ़ा हम चाइना के अंदर एंटर होंगे। नॉर्मली आप व्लॉग यही देखते हैं कि लोग हुंजा करने के बाद खंजराब पास जाते हैं और उसके बाद वहाँ से वापस आ जाते हैं, लेकिन आज के एपिसोड के अंदर पूरा का पूरा सफ़र मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस्लामाबाद से हम लोग ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करके हम जाएंगे चाइना वाया खंजराब पास। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश रही है कि मैं ये ट्रैवल करूँ और इसके ऊपर पूरा व्लॉग बनाऊँ, पूरा इसको डॉक्यूमेंट करूँ और स्पेशली चाइना के अंदर एक एक उनकी कल्चर को और उनके फूड को, एक एक चीज़ उनकी आपके साथ शेयर करूँ। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ इस्लामाबाद के सिटी टर्मिनल फैसल मूवर के ऊपर। मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था शाम को लाहौर से, लाहौर की भी फैसल मूवर सर्विसेज मैंने ली और मैं वहाँ से ट्रैवल करके ऑलमोस्ट 4.5 घंटे के अंदर पहुँच गया। बड़ी अच्छी सर्विस रही, हमने इनकी एग्जीक्यूटिव क्लास बस ली थी लाहौर से, जो इनका न्याजी अड्डा के ऊपर टर्मिनल है। वहाँ से हम लोग सफ़र करके ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँच गए हैं रात के 10 बजे इस्लामाबाद के इनके जो 26 नंबर स्टॉप है फैसल मूवर का यहाँ पर। और ये जो इनका 26 नंबर स्टॉप है, ये इनका मेन टर्मिनल है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो बहुत ज़्यादा आपको बसेज़ नज़र आएंगी और ये बहुत ज़्यादा इनके यहाँ पे टर्मिनल्स बने हुए हैं जहाँ पे इनकी बसेज़ वगैरह आती हैं और यहीं से इनकी हर शहर को निकलती हैं। और जो चाइना की बस है वो भी इनकी यहीं से निकलती है। तो आए मैं आपको मज़ीद इनकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो पूरी की पूरी और पूरा ये सफ़र जो है हमारा वो मैं इस ब्लॉग में शेयर करूँगा। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। जिन लोगों ने भी चाइना जाना है या फ्यूचर में जाना चाहते हैं या इस वीडियो को देखने के वालों का दिल करने लग जाएगा, वो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आपके साथ आज हमारा सफ़र होने लगा है स्टार्ट फ्रॉम इस्लामाबाद टू ताजकुरकान चाइना। अस्सलाम वालेकुम, ये है जी पासपोर्ट हमारे चाइना के लिए। नुमान भाई, चाइना जाने के लिए सारी हमने ऑडियंस को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो बजाय इसके कि मैं सबको सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, क्यों ना मैं आपसे सारी चीज़ें पूछूं और आप ही एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फैसल मूवर्स आप अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने ऑडियंस को देते जाएं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो आपकी ये फैसल मूवर की बस है, इसकी टिकट प्राइस क्या है और इसका सफ़र कितना लंबा है? 30,000 इसका फेयर है और इसमें 4 टाइम मील है, जिसमें 2 टाइम ब्रेकफास्ट, एक लंच और एक डिनर कंपनी की तरफ से ही आपको दिया जाता है। अच्छा, यानी ये टिकट के अंदर ही शामिल है? ठीक है। और नाइट स्टे जो हमारा होता है खंजराब बॉर्डर पे वो भी इसी में इंक्लूड है। ओवरऑल अगर मैं जर्नी का देखूँ तो वो 28 आवर्स का है और 10 आवर्स हमारा जो होगा नाइट स्टे होगा जब हम सोस्त में पहुँच जाएंगे। तो ये हमारी बस चलती कहाँ से है और कहाँ तक पहुँचाती है हमें? सर, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से इसका डिपार्चर हफ्ते में 2 बार होता है। ओके, डेली नहीं होता? नहीं, हफ्ते में 2 डिपार्चर हमारे। ठीक है, रात 1 बजे। और मैं वैसे देख रहा हूँ क्योंकि हमने टिकट यहाँ से लिया है फैसल मूवर का, तो इसमें बिज़नेस लाउंज आपको मिलता है और बिज़नेस लाउंज के अंदर भी आपको सारी रिफ्रेशमेंट वगैरह जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होती है, कॉफ़ी, टी, ड्रिंक्स वगैरह हर चीज़ जो है वो बिज़नेस लाउंज के अंदर है। तो मुझे, मैं भी क्योंकि लाहौर से ट्रैवल करके आया हूँ तो वहाँ पर भी मुझे बड़ा अच्छा आपका सर्विसेज लगी जो स्पेशली बिज़नेस लाउंज वाली थी। और ये भी अच्छा, ये बताइए कि चलती तो आपकी सर्विस मेन इस्लामाबाद से है, लेकिन जो दूसरे शहरों से ऑब्वियसली लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो उनके लिए क्या प्रोसेस है फिर? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी फैसल मूवर्स का टर्मिनल है आप वहाँ से टिकट परचेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको कनेक्टिंग टिकट दिया जाएगा जो कि आपको गाड़ी यहाँ पे इस्लामाबाद लेके आएगी, यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट जो हमारी चाइना के लिए गाड़ी उसमें शिफ्ट किया जाएगा कनेक्टिंग बस में। अच्छा हनुमान भाई, अब दूसरा ये बताएँ कि चाइना जाने के लिए आपको
एज अ ट्रैवलर क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रेपरेशन में हमें क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो जल्दी से बताएं आपके। अच्छा जी, इसमें डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए आपके पास, आपका वीज़ा, पासपोर्ट, कोविड सर्टिफिकेट और अच्छा कोविड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वीज़ा चाइना का और इनविटेशन लेटर। तो आप चाइना का वीज़ा तो अरेंज नहीं करके देते? नहीं सर, वो आपने खुद से, वो खुद से अरेंज करना है हम लोगों ने, और सिर्फ ट्रैवल करवाना है बेसिकली। तो चाइना का वीज़ा नॉर्मली बिजनेस वीज़ा ही लगता है या स्टूडेंट वीज़ा लगता है? अभी टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, लगता है लेकिन वो ग्रुप के सूरत के अंदर लगता है, आप अकेले नहीं उस तरह जा सकते। अच्छा, उसके अंदर ये है, जैसे इन्होंने शेयर भी किया है कि हमने इधर पहुंचने के बाद 3 घंटे वो जो पहले पहुँच रहे हैं, अपना पासपोर्ट, इन्विटेशन, कोविड सर्टिफिकेट और इसके अलावा इन्विटेशन लेटर चाइना का, जिसकी बेस पे आपका वीज़ा लगा हुआ है, वो इनको जमा कराना होता है। इन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन को यहीं से सेंड कर देने होते हैं सोस्ट बॉर्डर पे, ताकि हमारी इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो सके। तो ये सारा प्रोसेस है और पूरा का पूरा जर्नी मैं आपको अभी एपिसोड जैसे हमारी चलेगी वो सारा आपको उसके अंदर दिखाऊंगा। बस के बारे में बताएं, बस कौन सी है, कितने सीटर है, कैसी है, इतना लंबा हमने सफ़र करना है? जी बस बिल्कुल कंफर्टेबल है, 33 सीटर मिनी यूटोंग, नई बस है आपकी, यूटोंग एग्जीक्यूटिव बस है। ठीक है, तो बस आपको अंदर से दिखाते हैं। अभी मैंने अंदर इसकी सीट्स वगैरह भी देखी हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं, सॉफ्ट, और स्पेशली जिस एग्जीक्यूटिव बस में मैं लाहौर से भी आया हूँ उसी तरह की सेम ये बस है इसकी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आप हमारा इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें, हम अपना बैग चेक पैक करते हैं और बिज़नेस लाउंज में ज़रा हम रिफ़्रेशमेंट वगैरह लेते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, खाना शाना कुछ यहाँ पर खाते हैं, उसके बाद 1 बजे ये यहाँ से निकलेगी और सफ़र आपको फिर साथ साथ दिखाते हैं। आ जाए, चलते हैं। बस 7:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं नारायण वैली में और इस वक्त नारायण बाज़ार से गुजरें, तो ब्रेकफास्ट हम लोग इधर नहीं करेंगे, आपको देखें रश नज़र आ रहा है। ऑल राइट जी, सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट भट्टाकुंडी अराउंड 8 AM और बिल्कुल हमें इन्होंने निकलते वक्त आपने देखा था 8 बजे ही कहा था और बिल्कुल अभी तक बस एग्जैक्टली टाइम के ऊपर ही आ रही है, क्योंकि रात का ट्रैवल होता है और इतना ज़्यादा कोई मसला वगैरह भी नहीं होता, तो इस वजह से हम बिल्कुल एग्जैक्टली 8 बजे पहुँच गए। और मैं आपसे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सका था, रात को जल्दी जल्दी हमें निकले थे। अब्दुलरहमान, आपने पिछली मेरी जो ईरान और टर्की की सीरीज़ थी उसमें आपने देखा था अब्दुलरहमान मेरा कज़न, जो उस सीरीज़ में भी साथ था, और बड़े लास्ट मोमेंट्स में आकर अब्दुलरहमान ने इस भी मेरी सीरीज़ को ज्वाइन किया। रात को हम निकले हैं और रात को ही एम्बेसी से इसका पासपोर्ट आया वापस, आप कैन यू बिलीव, इतने लास्ट मोमेंट के ऊपर। तो अब्दुलरहमान वेलकम ऑन बोर्ड। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पिछली सीरीज़ के अंदर लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स ये आए थे यार कि अब्दुलरहमान बड़ा ही ढीला ढीला है और ये बोलता भी नहीं है, तो मसला क्या था यार आपके साथ ईरान में? मुझे आपको पता है उस में डेंगू हो गया था, तो इसलिए मैं स्टार्ट में सारा डीलर डीला रहा हूँ, एंड तक बल्कि मैं ऐसे ही रहूँ, तो इंशाल्लाह मैं एक्टिव हूँ और सारी सीरीज में आपके साथ ही रहूँगा बिलाल भी के साथ। ठीक है जी, तो पिछली सीरीज में इसकी बहुत बुरी हालत थी, डेंगू था, हमने आपको दिखाया नहीं था सीरीज में, ये हॉस्पिटलाइज रहा था, ड्रिपे लगी थी ईरान पहुँचते ही, लेकिन ये है कि ये वाला सफ़र में फुल टाइम एक्टिव है और लास्ट मोमेंट पे क्योंकि ज्वाइन किया हुआ था, एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ चाइना ट्रैवल के लिए, क्योंकि एक नई दुनिया के अंदर जा रहे हैं हम। तो यार ये देखो, ये हमारी फैसल मूवर यहाँ पे इधर पार्क कर दिए इन्होंने, बड़ा ही खूबसूरत इलाका हमारा जो भट्टाकुंडी है, बहुत ठंडा है इस वक्त यहाँ पर, और ये हमारी बस का ग्रुप है, ऑलमोस्ट हमारे पास कोई 4 से 5 इधर स्टूडेंट्स हैं जो MBBS के लिए जा रहे हैं और बाकी ये सारे हमारे बिजनेसमैन हैं। ये नाश्ते के अंदर आए हैं हमारे लाहौरी ग्रेवी वाले चने और इसके साथ पराठे हैं और ये क्या है जी, ओहो हलवा भी है भाई, और इसके अलावा नान भी हैं, पूरी भी है, पूरी भी है, वाह यार ज़बरदस्त, फैसल मूवर ने तो गेम उठा दिया। अच्छा ऑमलेट भी है यार, गुड यार, नाश्ता तो आता जा रहा है। ऑलराइट जी, सो दैट वाज अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट, बड़ा अच्छा मेन्यू और टेस्ट भी, ओवर ऑब्वियसली
बट कढ़ाई लिखा हुआ तो आपको पता टेस्ट तो फिर वही वाला आता है। तो बस चाय शाय पी रहे हैं और हम अब आगे अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे बट्टाकंडी से टूवर्ड्स अब बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप से फिर हम नीचे उतरेंगे चिलास की तरफ। ग्यारह बजे हम लोग पहुंच गए हैं बाबूसर पास। ऑल राइट जी, तो पहुंच गए हम लोग गिलगित से थोड़ा सा पीछे, जो बड़ा फेमस पॉइंट है जिसको कहते हैं जगलोट। जगलोट पे अब हमारा यहाँ पे होने लगा है लंच। बड़ा सुबह ब्रेकफास्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। अब देखते हैं कि फैसल मूवर ने हमें इसमें जो लंच इंक्लूड किया हुआ है वो किस लेवल का है। ऑल राइट जी, तो खाने के अंदर फैसल मूवर ने हमें लंच में दिया है माश की दाल, और अगर आप ये देखें तो ये सब्ज़ी है। इसके अलावा ये काबली पुलाव है, और काबली पुलाव के साथ चिकन कौरमा मुझे देखने के अंदर लग रहा है, और साथ नान और रोटी भी है। खाना शाना हम खाते हैं और उसके बाद आपको आगे कराकर हाईवे पे मिलते हैं। ऑल राइट जी, तो आलमोस्ट रात के 12 बजे हम लोग सोस्त पहुंच गए। पहुंचना हमने 9 बजे था, लेकिन रास्ते में 3 घंटे तक हमारी ट्रैफिक ब्लॉक थी और हमें वहां पे खड़ा होना पड़ा। ये हमारे डॉक्टर भाई हैं जो MBBS करने जा रहे हैं, इस वक्त हमारी बस में ही है। खाना शाना सर्व हो चुका है, हमारे टोटल 18 लोग हैं जो हमारी बस में ओवरऑल जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग नाजरीन फ्रॉम सोस्त। रात को तकरीबन खाना शाना खाने के बाद हम 1:30 बजे सोए थे, और सुबह इस वक्त 7 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, टेबल शेबल सेट हो रही है, पराठे और अंडे वगैरह लग रहे हैं, और लोग अभी उठे नहीं हैं। लेकिन आप बाहर का मंजर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त जगह के ऊपर हूँ मैं सोस्त का, ये जो विलेज है मेरे पीछे जो यहाँ पे आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहीं पे होटल के पास ही हमारी यहाँ पे अब इमिग्रेशन होगी। 2-3 मिनट का फासला है और यहाँ से हमारी एग्जिट स्टैंप लग जाएगी, और एग्जिट स्टैंप लगाने के बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स पंजराब बॉर्डर, जो यहाँ से आलमोस्ट 90 किलोमीटर्स है। हमें 2.5 से 3 घंटे आलमोस्ट लग जाएंगे। तो पीछे अगर आप व्यूज़ देखें, बहुत ही ज़बरदस्त स्नो कैप माउंटेन्स मेरे पीछे अगर आप देखें नज़र आ रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त सुकून है यहाँ पे। और रात को भी काफ़ी ठंड थी, अभी भी देखें मैंने अपर पहना हुआ है बिकॉज़ हम पंजराब के अब टॉप के ऊपर जाएंगे। ब्रेकफास्ट लग गया मुझे, वो आवाज़ देने ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट अपनी मंजिल की तरफ। हाँ, और एक दूसरी चीज़, आप सब लोग वेट कर रहे होंगे यार मैं वीज़ाज़ वगैरह बारे में भी बताऊँ आपको सारी गाइड के, कैसे चाइना का वीज़ा लगाना है और वो सब कुछ। तो एक दफ़ा मुझे बॉर्डर क्रॉस करने दें, मैं चाइना एंटर हो जाऊँ, तो आपके साथ इंशाल्लाह जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है और कैसे लिया जाता है चाइना का वीज़ा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। जी, ये हम होटल से निकल पड़े हैं और थोड़ा सा ही मज़ीद आगे जाएंगे तो यहाँ पे अब हमारी इमिग्रेशन वाला पॉइंट आएगा। ये पूरा सोस्त का बाज़ार है। अभी क्योंकि सुबह सुबह है, हम ऑलमोस्ट निकल रहे हैं अब 8:30 बजे, तो यहाँ पे काफ़ी होटल्स वगैरह बने हुए हैं, अकोमोडेशन वगैरह, क्योंकि जिन्होंने भी चाइना बॉर्डर क्रॉस करना होता है वो रात इधर ही आके गुजारते हैं, बिकॉज इसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह सुबह 9 बजे पहुँच जाएँ, अदरवाइज़ आप लेट हो जाते हैं। तो ये देखें, सारी लोकल वैन्स भी खड़ी हुई हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो लोकल वैन्स पे भी आते हैं यहाँ पे। और ये जितनी हाईएस्ट वगैरह आपको नज़र आ रही हैं, ये हाईएस्ट भी आपको बॉर्डर क्रॉस करवाती हैं, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी और हम अब अपने पासपोर्ट्स और बाकी सब चीज़ें वो यहाँ पर चेक करवाएंगे। यहाँ पर मुझे कुछ चाइनीज़ बसेज भी नज़र आ रही हैं, काफ़ी ट्रक्स भी नज़र आ रहे हैं। फैसल मूवर का देखें, अब ये फ़ायदा है कि हमारा फैसल मूवर का बंदा पहले से यहाँ पे पहुँचा हुआ है, और इसने हमारी सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी पहले ही पहुँचा दी है यहाँ पर। ये देखें जी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बसेज हैं,
लेकिन सबसे अच्छी बात फैसल मूवर में टिकट कराने का जो मैं आपको बता रहा था कि फ़ायदा क्या है, मेन फ़ायदा है वो यही है कि इधर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, सिंगापुर के भी लोग हैं, चाइनीज़ के भी हैं, जितने भी टूरिस्ट वगैरह पाकिस्तान आए हुए हैं वो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करेंगे और उन्होंने यहाँ से अपना एग्जिट करवाना है। लेकिन अगर आपका टिकट फैसल मूवर का है तो पहली प्रायोरिटी फैसल मूवर वालों की होती है कि उनका सामान भी हमारा सबसे पहले चेक हुआ है, इमिग्रेशन की जो एग्ज़िट की स्टैंप होती है वो भी हम लोगों की सबसे पहले लगी है, और बाकी आप लोग देखें जितने भी इधर बाहर खड़े हैं वो नॉन फैसल मूवर वाले हैं। तो एक चीज़ और है कि आप लोकल बसेस पे भी होकर यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ऑलमोस्ट जिस तरह हमारी टिकट थी 30,000 की इस्लामाबाद से यहाँ तक सोस तक, जिसमें खाना पीना रहना वगैरह शामिल था, अगर आप कैलकुलेट करते हैं लोकल बसेस के ऊपर होते हुए तो मेरे ख्याल है आप 4 से 5 हज़ार रुपये आपका बच जाता है। लेकिन उसके बदले जो आपको खवारी आपको हैंडल करनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपको प्रोटोकॉल यहाँ पे मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आपको जो फैसल मूवर में आपने टिकट बुक कराई हुई है उसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें जो है वो फ़ायदा हो रहा है। तो बस जल्दी से हमारी जितनी पूरी बस है वो सबसे पहले इनकी सबकी इमिग्रेशन हो जाएगी, फिर हम लोग मूव करेंगे खुंजरा बॉर्डर की तरफ। जी फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं अपने सोस बॉर्डर में, बस में बैठ के पूरा ग्रुप निकल पड़ा है, और सामने आप माइटी माउंटेंस चेक करें यार। जो फैसल मूवर के ड्राइवर भाई हैं इन्होंने हमें बताया कि आज आप सबसे जल्दी फारिग हो गए हैं, नॉर्मली टाइम लगता है और कहते हैं हम 11:30 बजे तक यहाँ से फ्री होते हैं, लेकिन आज हमारी बस में सिर्फ 17-18 लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग जो फैसल मूवर की बस है वही सबसे पहले निकलती है प्रोटोकॉल की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग अब जल्दी निकल पड़े हैं। होपफुली उधर भी आगे भी टाइम हम जल्दी क्रॉस कर लेंगे। तो पंजाब बॉर्डर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा यहाँ से 2-2.5 घंटे का जो है वो सफ़र होगा। तो गुजरात नेशनल पार्क है स्पेशली, उसकी मेन रीज़न ये है कि जितने भी हमारे मारखोर हैं वो सारे यहीं पर ही आपको नज़र आते हैं। तो ये देखिए खुश्क पहाड़ है लेकिन सर्दी शदीद है यहाँ पे, और पानी भी इधर ब्लूइश नहीं है, ब्राउनिश ही है। तो अब जिस वैली में हम एंटर हो गए हैं ये मिसगर वैली के पास ही हम आ गए हैं, और यहाँ पर इस इलाके को कहा जाता है लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड। आपने मेरी पिछली 2-3 एपिसोड पहले मैंने नलदर का व्लॉग शेयर किया था, वो आपने ज़रूर देखा होगा, उसके अंदर मैंने स्नो लेपर्ड दिखाया था, वो इसी इलाके से ही स्नो लेपर्ड बेचारा जख्मी होकर आया था जिसको इन्होंने अभी नलदर के अंदर रखा हुआ है। जी बारिश स्टार्ट हो गई है और सामने बादलों को देख के लग रहा है कि पंजाब पास पे इस वक्त बर्फ़ पड़ रही होगी। जी वो हमें अब नज़र आने लग गया है पंजाब बॉर्डर, थोड़ा सा रास्ता रह गया। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी शुरू से कि मैं इस बॉर्डर को क्रॉस करूँ, हमेशा हम यहाँ तक आए हैं और बस तस्वीर उतार के चले जाते हैं, आज हमें मौका मिलेगा यहाँ से इस बॉर्डर को क्रॉस करने का। हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये है अब पाकिस्तान की साइड और वो आपको नज़र आ रहा है चाइना का गेट। काफ़ी टूरिस्ट वैन्स वगैरह यहाँ पे आई हुई हैं सुबह की, टाइम हो गया है इस वक्त 12 बजे हम लोग पहुँचे, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हमें लगा है सोर्स से यहाँ पर आने में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्किंग है, जो विज़िटर्स आते हैं वो लोग इससे आगे अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते, और लास्ट टाइम भी हम इधर ही आए थे लेकिन आज हम लकी हैं कि हम ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे FIA के लोग हैं, लोकल लोग यहाँ पे हमें चेक करेंगे और फिर हम लोग क्रॉस करेंगे। नहीं जी हम अब मेन जगह से आगे आ गए हैं जहाँ से नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं आगे आने दी जाती, लेकिन हम लोग आगे आ गए हैं, और ये जो बोर्ड लगा हुआ है इस पे लिखा हुआ है उरुमची, काश्गर और ताशकुरकान, इन तीनों शहरों पे हम अगले आने वाली एपिसोड्स के अंदर जाएंगे। रश लगा हुआ है बॉर्डर के ऊपर और इनको भी थोड़ा सा हटना पड़ेगा और हमारी बस जो है वो सेंटर से क्रॉस करेगी। ओ नीचे आ जाएगी। नहीं जी ये सारे टूरिस्ट हैं और फाइनली हम लोग एंटर होने लगे हैं चाइना में खुंजरा बॉर्डर के थ्रू। टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ से बस पिक्चर्स उतार के चले जाते हैं, और इस वक्त बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है बहुत तेज़, आपको नज़र आ रहा होगा बहुत तेज़ बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है इस वक्त, और चाइना की तरफ मुझे काफ़ी टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, देखते हैं कि
अब बॉर्डर खुलेगा। बहुत ठंड हो गई है यार, बहुत तेज बर्फबारी स्टार्ट हो गई है, आपको नजर आ रही होगी इस वक्त। फाइनली गेट ओपन हो गए हैं, ये ऑटोमेटिक गेट्स हैं, ये ओपन हो गए हैं और हम लोग एंटर होने लगे हैं खुंजराब बॉर्डर। बहुत तेज बर्फबारी हो रही है इस वक्त, चाइना के अंदर हमारी एंट्री होने लगी है। अभी तक हम पाकिस्तान जोन के अंदर ही हैं और ये हम अब एंटर हो गए हैं नो मैन लाइन में, ये बफर जोन है। और बस अभी फिर खड़ी कर दी गई है हमारे ड्राइवर साहब ने। ऑलराइट, सो फाइनली वी हैव एंटर्ड और दिस इज़ माय कंट्री नंबर 28 और एंटर हो गए हम अपनी चाइनीज़ हदूद के अंदर। यहाँ पे आपको कुछ कुछ चाइनीज़ टूरिस्ट भी नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ चाइना, ये इनका टावर बना हुआ है, ये देखें जी, ये चाइना से टूरिस्ट आए हैं। थोड़े से टूरिस्ट उधर ज़्यादा थे, बहुत तेज़ बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है, 5-6 गाड़ियाँ यहाँ पे। सो नाउ दिस इज़ अदर साइड ऑफ खुंजराब और हम एंटर हो गए हैं फाइनली चाइना के अंदर और बहुत तेज़ बर्फबारी। देखें जी, जैसे ही हम चाइना में एंटर हुए हैं, हमारे मुजफ्फर भाई ड्राइवर ने जो है अपनी जो बस है उसको अब राइट साइड ऑफ द रोड की तरफ ले आए हैं। तो अच्छा जी, इनके पास तो सिम थी, मेरे पास एसकॉम थी। ये देखिए रैपिड जा रहा, जबरदस्त डबल रोड है और बड़ी अच्छी बनी हुई है। तो अब चाइना के अंदर जनाब आप राइट साइड ऑफ द रोड जो है गाड़ी चलती है, इसलिए उस तरफ से हम लोग अब इधर जा रहे हैं। ये बार लगी हुई है ना? हाँ, ये सारी बार है, ये पाकिस्तान और चाइना का इज़ा पार्टीशन ही है सारी जो नज़र आ रही है इस वक्त। तो ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है इस वक्त बिल्डिंग के चाइना की इमिग्रेशन, यहाँ पे हमारी चाइना की इमिग्रेशन होगी। अब 1 किलोमीटर बाद है जी चेक पॉइंट। व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो यहाँ पे अब हम कैमरा अपना बंद कर देंगे, बाकी की जो रिपोर्ट है वो आपको इमिग्रेशन होने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ऑलराइट जी, सो 1:30 बजे हम लोग अपनी चेकिंग करवाने के बाद, ये भी इमिग्रेशन नहीं हुई, ये सिर्फ कस्टम क्लियरेंस हुई है हमारी और बारिश शदीद हो रही है। बैग शैग अब लेकर हम अंदर जाने लगे हैं दोबारा से अपनी बस के अंदर। इधर भी बोर्ड लगा हुआ, लॉन्ग लिव चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप। अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं बाकी। पर जी बस में ऑलमोस्ट सब लोग हमारे क्लियरेंस करवा के आ गए हैं, कुछ भाई अभी आ रहे हैं और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे। तो सीन ये हुआ कि क्लियरेंस हुई है, हमारे बैग शैग चेक हुए हैं सारे, एक एक मोबाइल की सबकी पिक्चर्स, गैलरी, लैपटॉप जो मेरा है उसकी सारी, मेरी जो इवन एक्सटर्नल हार्ड है उसकी भी सारी गैलरी वगैरह एक एक चीज़ चेक करके। लेकिन ओवरऑल बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं जितने भी इनकी चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं। सिर्फ एक वीडियो उन्होंने मेरे डिलीट किया जिसमें उनका पुलिस ऑफिसर जो बस में चढ़ा था और उसने हमें सारा चेकअप किया था, उसने वो डिलीट किया, अदरवाइज़ ऐसा कुछ उन्होंने सख्ती वगैरह नहीं की। तो देखें ऑलमोस्ट कोई 1.5 घंटा लग गया। ये वो जगह है जो हमने अभी बॉर्डर जो गेट है क्रॉस करने के बाद बिल्कुल थोड़ी देर बाद ही जो इनका चेकअप आया कस्टम क्लियरेंस का। एक्चुअल में जो इमिग्रेशन है, जो हमारी चाइना की एंट्री स्टैंप लगनी है, वो तश्कुरगान जाके होगी जो ऑलमोस्ट यहाँ से अभी 100 किलोमीटर है। तो लेट्स सी, अभी चलते हैं जैसे सब लोग आते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो इधर शदीद बारिश अभी भी चल रही है और सर दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लो जी, सब लोग आ गए हैं और हम लोग अब निकल पड़े हैं कस्टम क्लियरेंस करवा कर। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने भी बोर्ड लगाया, लॉन्ग लिव चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप का ये बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पे पूरी फैसिलिटी बनी हुई है अगर आप देखें तो, ये इनकी मेरे ख्याल जो फोर्सेस हैं उन्हीं की हैं, हमारे ड्राइवर साहब की भी क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो इनकी भी ज़रा सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, सांस चढ़ गया। अच्छा अच्छा, और एक चीज़ है कि अब हम क्योंकि चाइना के अंदर एंटर हो गए हैं तो टाइम ऑल दो हमारा आप देखें कि ऑलमोस्ट 1:45 हो गए हैं,
ये जब हम कस्टम क्लियरेंस से निकले हैं, लेकिन 3 घंटे अब मुझे अपनी घड़ी को आगे करना पड़ेगा। ये चाइना का टाइम जो है वो हमसे 3 घंटे आगे है, तो अब चाइना के अंदर इस वक्त 5 बज गए हैं। और मज़े की बात यह है कि जैसे हमारा तो सूरज ग्रूब होगा 7 बजे, लेकिन चाइना के अंदर रात 10 बज, कभी 10 बजे कभी 11 बजे आपको जो है सनसेट देखने को मिल रहा होता। तो रात की इधर 10 बजे होंगे तो आपको रोशनी मिल रही होगी। ऑलमोस्ट अभी 15 मिनट हो गए हमें चाइना के अंदर सफ़र करते हुए, और खुले खुले मैदान ही हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ कुछ जगहों के ऊपर मुझे यॉक्स जो हैं इनके वो नज़र आ रहे हैं, और कुछ इनका स्ट्रक्चर वगैरह नज़र आ रहा है जो यहाँ पर बना हुआ बॉर्डर के पास। बारिश है फिलहाल। ये देखिए जी, ये चाइना का पहला गांव आया है, इसका नाम है मज़ार विलेज, क्योंकि हम अब वो तुर्किश कल्चर के अंदर ही हैं। ये देखें इनके हट्स कितने ज़बरदस्त आ रहे हैं यार। ये गांव है यार, आप ज़रा ये लैंडस्केप चेक करें, क्या खूबसूरत लैंडस्केप है। इतना खुला मैदान है, जब से हम अभी बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं थ्रू आउट ये खुला मैदान नज़र आ रहा है। और आप सोचें कि ये हमारी हंजा स्टेट का पार्ट था तश्कुरकान का, और यानी ये अमीर ऑफ हंजा जो है वो उनका रूल यहाँ तक था। लेकिन ये बता रहे हैं मुझे ड्राइवर के अयूब खान के ज़माने के अंदर ये जो पूरा कस्बा है तश्कुरकान का, ये चाइना को दे दिया गया, और इसके बदले हमने कुछ शमशान वैली के साथ कुछ एरिया है वो इनसे लिया था। ये देखें जी, सेकंड विलेज आ गया, इसका नाम है दाबुदार। ये आपको देखें मार्केट्स नज़र आ रही हैं साइडों पर, काफ़ी डिवेल्प है गवर्नमेंट की तरफ से, और देखें बोर्ड्स इनके खम्भों के ऊपर भी लगे हुए हैं, और रोड भी डबल हो गई है। बहुत ही कमाल की लैंडस्केप है यार, बिल्कुल अगर आप वो साइड देखें ना तो स्टेप्स के अंदर आपके माउंटेन्स बने हुए हैं। नहीं जी, हमें दूर से तश्कुरकान की हदूद नज़र आना स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, चारों तरफ माउंटेन्स की वॉल्स हैं, बहुत वाइड रोड्स हैं और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। आप देखते हैं कि ये शहर हमें क्या दिखाता है। अभी तो हमारी इमिग्रेशन ऑफिशियली हम एंटर नहीं हुए, प्रैक्टिकली हो गए हुए हैं, क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे अभी तक एंट्री की स्टैंप नहीं लगी हुई। हम एंटर हो गए हैं पंजाब पोर्ट के अंदर, और यहीं से आगे जाके अब हमारी इमिग्रेशन होगी। ऑल राइट जी, सो फाइनली फैशन मूवर ने हमें यहाँ पे उतार दिया, और यहाँ से अब हमारी इमिग्रेशन होगी चाइना की। तो समरी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हमारा पूरा ट्रैवल इस्लामाबाद से स्टार्ट हुआ था और हम पहुँचे यहाँ पर तश्कुरकान में चाइना के अंदर। ओवरऑल अगर देखा जाए, टिकट मैंने आपको बता दिया था 30,000 का है इसका, इस्लामाबाद से लेकर तश्कुरकान का। और इस टिकट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, आपका सबसे पहले आपको बस के अंदर स्नैक्स वगैरह और जितने ड्रिंक्स वगैरह वो तो सारे इंक्लूडेड हैं ही, लेकिन आपका सबसे पहले बटाकुंडी के अंदर ब्रेकफास्ट गज़ब का, बहुत मज़ेदार, और व्यूज़ भी होटल भी बड़ा ज़बरदस्त था। उसके बाद फिर जो दोपहर का खाना हुआ वो हमारा जगलोट में गिलगित के पास हुआ, और फिर अच्छी चीज़ ये हुई कि गिलगित के पास इन्होंने अपने ड्राइवर को भी चेंज किया सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वहाँ से फिर हम चलते हुए पहुँचे, रात का खाना कहाँ किया था हमने, सोस्त में। हाँ, रात को हम लेट पहुँचे थे क्योंकि 3 घंटे का हमारी थोड़ी सी रोड ब्लॉक हो गई थी, तो सोस्त में वहाँ पे पहुँचे, और वो होटल भी बहुत अच्छा था। ये होटल की नाइट, ये सारे खाने पीने, और फिर अगले दिन सोस्त से जो नाश्ता भी किया वो भी सब कुछ इंक्लूडेड था 30,000 के अंदर ही। और इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ जो लोग पूछ रहे हैं कि जो सफ़र है इतना लंबा है तो कैसे यार, कंफर्टेबल था या नहीं था, तो मैं अब्दुलमान से पूछता सबसे पहले। सफ़र बहुत कंफर्टेबल था, सीट स्पेशली बहुत अच्छी थी, और बस एक चीज़ है कि जैसे लाहौर से और कराची का इनका स्लीपिंग बस का ट्रैवल है, स्लीपर बस जो है। हाँ, यानी ये आने वाले दिनों के अंदर फैशन मूवर जब ज़्यादा ज़्यादा ये जर्नी फेमस होता जाएगा, तो हमारी सजेशन ये है कि अगर जो आपने लाहौर से कराची में स्लीपर बसें लगाई हुई है ना, कि आप लेट के जाते हैं क्योंकि ये ट्रैवल ही बड़ा लंबा है, अगर वो भी आप ऐड कर दें तो आपको डबल नंबर मिल जाएंगे। अदरवाइज़ ये जो बस है कंफर्टेबल बहुत है। लेग स्पेस का जिनका थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है उनका थोड़ा सा लेग स्पेस का इशू, मुझे ऑब्वियसली नहीं हुआ, तो वो चीज़ भी देखी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल सर्विसेज, और फिर प्लस सबसे अच्छी जो हमें जो फील हुआ फैशन मूवर की वजह से, हमें जो प्रोटोकॉल मिला इमिग्रेशन में भी और यहाँ पर भी आके, हमारे जितने भी साथ कोलीग्स आए हैं सबसे पहले लाइन में वही लगे हैं, तो अंदर हमारी भी बारी, हम एंड पे रह गए हैं, जल्दी से हम अंदर चलते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम ओवर एक्सपीरियंस ऑफ क्रॉसिंग खुजराब बॉर्डर बाय ओवर ऑन कंपनी। और बाकी का जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आ रहा है वीज़ा के ऊपर, इनके ऊपर दोनों के ऊपर मैं अलग-अलग से आपको एपिसोड बना के, क्योंकि थोड़ा डिटेल में होगा, तो हम चलते हैं अंदर इमिग्रेशन के लिए। आप इंतज़ार करें मेरी अगले एपिसोड का, मिलता हूँ आपसे चाइना की एपिसोड नंबर 2 में। फॉलो करते रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर।